हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे एक और लॉन्ग वीडियो में। आज का वीडियो तो कुछ स्पेशल ही होने वाला है, क्योंकि आज मैं सोलो पुशिंग तो करूंगा लेकिन कुछ अलग ट्रिक से करने वाला हूं। पहले तो आप लोग मेरा करेंट रैंक देखो, मैं अभी ग्रैंड मास्टर पे हूं एंड मेरा अभी 10,975 का स्कोर हो चुका है ग्रैंड मास्टर पे। एंड मेरे को 11,000 करने के लिए सिर्फ 25 का प्लस चाहिए। एंड आप लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में देख सकते हो, मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में 28 नंबर पे आता हूँ एंड मेरा स्कोर काफी अभी कम है इन लोगों से। एंड मैंने दो रीजन प्लेयर भी अपने फ्रेंड लिस्ट में कर रखा है। एंड यहाँ पे मैं अपना करेक्टर चेंज करूंगा। पहला करेक्टर तो मेरे पास के रहेगा एंड दूसरा रहेगा व्हीकल। एंड यहाँ पे तीसरा लगाते हैं हयाटो एंड चौथा यहाँ पे लगा लेते हैं लुकेटा। आज मैं सिर्फ व्हीकल लेकर गेम को सर्वाइव करूंगा एंड मेरे को यहाँ पे लुकेटा 50 HP दे देगा दो किल करने के बाद। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं गेम के अंदर एंड वीडियो एंड तक जरूर से देखना। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर एंड यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे उतरे, लेकिन मेरे को यहाँ पे बीमा शक्ति काफी सही प्लेस लग रही थी तो मैं यहाँ पे बीमा शक्ति पे लैंड कर जाता हूँ। एंड पहले तो मैं यहाँ पे वेंडिंग मशीन वाला घर चुनूंगा एंड यहाँ पे जल्दी से वेंडिंग मशीन वाला घर चुन लेता हूँ एंड यहाँ पे उतर जाता हूँ। एंड शायद मेरे साथ यहाँ पे 2-3 बंदे भी आ रहे थे तो मैं यहाँ पे पहले गन लूटता हूँ उतर के। एंड मेरे को यहाँ पे MAC-10 मिल चुका है तो मैं जल्दी से एक बंदे पे रश कर देता हूँ, शायद उसको गन अभी नहीं मिला होगा। एंड ये रहा बंदा, मैंने एक बंदे को यहाँ पे हेडशॉट से फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पे सच में इसके पास कुछ भी नहीं था लूट बॉक्स में एंड इसको कुछ मिला ही नहीं था। एंड यहाँ पे एक बंदे का फिर से फुट स्टेप आ रहा है तो यहाँ पे लूटते हैं। एंड यहाँ पे देखो उस बंदे ने फायरिंग किया है और ये रहा एक और बंदा, एंड इस बंदे को भी मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया। एंड उतरते ही मैंने यहाँ पे 2 किल निकाल लिया एंड मेरे को काफी अच्छा प्लस मिल जाएगा 2 किल में ही अभी मैं अगर सर्वाइव कर लूँ तो। पहले तो मैं यहाँ पे बिजोन उठा लेता हूँ एंड मैं ऊपर देखता हूँ, शायद कोई बंदा यहाँ पे लैंडिंग कर रहा होगा रिवाइव होकर। अभी मैंने जिन 2 बंदों को मारा है शायद 2 दोनों बंदे भी यहाँ पे लैंडिंग कर सकते हैं, तो पहले तो मैं ऊपर देख लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सेफ खेलने वाला हूँ। एंड यहाँ पे कोई बंदा तो आ नहीं रहा है, चलो यहाँ पे लूट कर लेते हैं। एंड गाइस जैसे मैं इस घर को लूट कर आगे जाता हूँ तभी मेरे को एक बंदा दिख जाता है एलसेफ के ऊपर। एंड यहाँ पे 2 लोगों के बीच फाइट हो रही थी तो मैं तो यहाँ पे इधर से निकल लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे थर्ड पार्टी में फंसना नहीं था। एंड ये बंदा जैसे ही नीचे कूदता है मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक और बंदा है एंड उसका मेरे को तो लोकेशन पता नहीं है तो मैं इधर से अभी निकल लेता हूँ क्योंकि उस बंदे को कैसे भी मेरे को लोकेशन निकालना पड़ेगा। मैं जैसे ही इस वाले घर में आकर यहाँ पे लूट करने लगता हूँ तभी अचानक से वो बंदा मेरे को देख लेता है और पीछे से इतना भयंकर डैमेज देता है कि मेरे से यहाँ पे ग्लू बॉल भी नहीं दबती, लेकिन कैसे भी मैं कवर कर लेता हूँ खुद को। एंड यहाँ पे जल्दी से मेडिकेट करते हैं, लेकिन वो बंदा मेरे पीछे रश कर रहा होगा तो यहाँ से पहले निकलते हैं। उस बंदे ने मेरे को काफी कम HP पे छोड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले मैं इनहेलर करता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर उस बंदे को टेलीपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पे जाते इस घर के पीछे एंड मेडिकेट करते हैं। पहले मैं इस घर के बाहर आ जाता हूँ एंड सामने से देखो वो बंदा आ रहा है एंड इस बंदे को मैंने हेडशॉट मारकर फिनिश कर दिया। एंड इस बंदे को तो मैं इमोट दिखाकर ही रहूंगा क्योंकि ये बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था। एंड मैंने उतरते ही यहाँ पे बीमा शक्ति पे 4 किल निकाल लिया है शुरू में ही, तो यहाँ पे जल्दी से इसका लूट बॉक्स लूट लेते हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं मेरे को इसके लूट बॉक्स में क्या ही मिलता है, यहाँ पे तो इसके लूट बॉक्स में शायद ही कुछ है। उस बंदे का लूट बॉक्स लूटने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाड़ी एंड मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बीमा शक्ति से। एंड सामने यहाँ पे UAV ड्रोन लगा हुआ है तो जल्दी से ड्रोन के अंदर घुसते हैं। एंड यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इस ड्रोन के अंदर कितने बंदे हैं। एंड ये गाड़ी तो सेफ मेरे लिए होने वाला नहीं है तो मैं यहाँ पे गाड़ी भी चेंज करूंगा। एंड यहाँ पे तो मेरे को रिक्शा मिल रहा है लेकिन वो चाहिए नहीं। एंड यहाँ पे देखो क्लॉक टावर पे एक बंदा है और ये बंदा तो बिल्कुल ही परमानेंट कवर में घुसा हुआ है। एंड मैं इस बंदे पे तो रश नहीं करने वाला क्योंकि मैं अभी मरूंगा नहीं एंड मेरे को इस गेम को कैसे भी लास्ट तक ले जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मेरे को एक और गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। एंड फाइनली मेरे को यहाँ पे स्कूटर दिख चुका है, पहले तो मैं इस गाड़ी को फोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ी काफी ज्यादा बंदे चला रहे हैं आजकल, तो मैं यहाँ पे इस बाइक को ले लेता हूँ एंड यहाँ से निकल जाते हैं। मैं अपना बाइक लेकर आ जाता हूँ फैक्ट्री पे, लेकिन तभी मेरे को एक बंदा दिख जाता है लेकिन ये बंदा सिर्फ थोड़ा सा का बच जाता है। एंड इस बंदे के पास होती है M10 तो मैं यहाँ पे तो बच जाता हूँ कैसे भी। अगर इस बंदे ने एक गोली भी मारा M10 से तो मेरा तो पूरा आधा HP चला जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इस बंदे के आसपास ही गाड़ी घुमाता रहता हूँ लेकिन ये बंदा मेरे से बार बार बच जाता है और ये बंदा मेरा गाड़ी भी फोड़ने लगता है। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मेरे को फिर से एक और बाइक दिख जाती है तो मैं उतर के इस बाइक को लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी को फोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे इस बाइक को ले लेते हैं एंड यहाँ से निकल जाते हैं। एंड वो बंदा यहाँ पे शायद परमानेंट कवर में चला गया होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से शायद कोई फाइट कर रहा है फैक्ट्री पे, तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ। मैं जिस बंदे को यहाँ पे छोड़ता हूँ वही बंदा यहाँ पे फाइट करने लगता है, मैं उस बंदे को तो यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। उसके साथ में एक और बंदा होता है लेकिन वो मेरे से तो यहाँ पे बच जाता है। मैं यहाँ पे जल्दी से अपना बाइक उठा लेता हूँ, जल्दी से यहाँ पे अपना बाइक उठा
उठाते हैं एंड यहाँ पे मेरे पीछे से गोली दब जाती है एंड यहाँ से जल्दी से निकलते हैं एंड मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तभी मेरे को एक और यूएवी ड्रोन दिख जाती है और मैं जैसे ही इस यूएवी ड्रोन के अंदर घुसता हूँ तभी मेरे को यहाँ पे 2 से 3 बंदे दिखते हैं। मेरे को यहाँ पे पहले तो लगा कि ये दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं लेकिन एक बंदा यहाँ पे गाड़ी से घूम रहा होता है और एक बंदा टावर के ऊपर बैठ के मेरे को ही डैमेज देने में लगा हुआ रहता है। तो मैं यहाँ से इधर से निकल जाता हूँ, इस ड्रोन के अंदर से भी निकल जाते हैं। एक गाड़ी वाला बंदा और उसके ऊपर एक बैठा हुआ टावर वाला बंदा, उन दोनों के बीच शायद यहाँ पे फाइट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि शायद उन दोनों के बीच में अगर मेरे को भी मौका मिल जाता है थर्ड पार्टी करने का तो मैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी करूंगा, लेकिन वो दोनों तो अलग अलग हो चुके हैं। अब देखो गाड़ी से पूरा मैप घूमने के बाद तो मैं आ जाता हूँ फिर से बीमा शक्ति पे, लेकिन यहाँ पे देखता हूँ सुपर ड्रॉप के चलते यहाँ पे दोनों के बीच फाइट हो रही थी। तो मैं एक बंदे को यहाँ पे गाड़ी से उड़ाता हूँ लेकिन वो बंदा यहाँ पे बुकोंग बच जाता है और मेरे हाथ से भी बच जाता है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और एक बंदा और दिख जाता है एंड यहाँ पे मैं दूसरे वाले बंदे को भी ठोकता हूँ। ये बंदा यहाँ पे ग्लू बोल डालता है लेकिन मैं उतर कर गाड़ी से फिनिश करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी होने वाला था लेकिन मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर फिर से निकल जाता हूँ। एंड ड्रॉप के पीछे एक और बंदा होता है जिसको मैंने अभी अभी ठोका था लेकिन उस बंदे को मैंने मारा नहीं है, और उस बंदे को यहाँ पे शायद से 100 गोली वाला मिल जाता है या तो फिर M60 मिल जाता है, और वो बंदा मेरे को गाड़ी के ऊपर भी डैमेज दे देता है और मेरे गाड़ी का हेल्थ भी कम कर देता है। और मैं आ जाता हूँ कार्टून स्टीवा पे, तभी मेरे को जीप दिख जाती है एंड मैं यहाँ पे स्कूटर छोड़कर यहाँ पे उठा लेता हूँ अपना जीप एंड मैंने टोटल यहाँ पे 6 किल कर रखे हैं एंड अभी भी 13 बंदे बचे हुए हैं। यहाँ पे शायद दूसरा या तीसरा जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले जीप से निकल जाता हूँ, मैं जीप लेकर आ जाता हूँ हैंगर की साइड। जैसे ही मैं हैंगर की साइड आता हूँ तभी मेरे को एक बंदा दिखता है और मैं उस बंदे को ठोक देता हूँ एंड यहाँ पे मैं गाड़ी से उतर के एक बंदे को फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे टोटल हो चुके हैं 7 किल एंड अभी भी यहाँ पे 12 बंदे बचे हुए हैं। पहले तो मैं इसका लूट बॉक्स लूट लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे इसके लूट बॉक्स में 100 गोली वाला गन मिल जाता है M249X एंड यहाँ पे मैं जल्दी से इसका लूट बॉक्स लूटता हूँ एंड यहाँ पे अभी 11 बंदे बचे हुए हैं। मेरे को कैसे भी यहाँ पे बुया निकालना पड़ेगा एंड इस गाड़ी को तो उस बंदे ने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। मैं इस गाड़ी को छोड़कर यहाँ पे दूसरा गाड़ी उठा लेता हूँ एंड वो गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पे फिर से मैं चलता हूँ कार्टून स्टीवा की तरफ। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से इधर आता हूँ तभी देखता हूँ यहाँ पे फायरिंग हो रही होती है एंड वो बंदा यहाँ पे टावर पे बैठा हुआ रहता है। मैं उस बंदे को डैमेज देता हूँ लेकिन वो बंदा अपने आप को ग्लू बॉल से पैक कर लेता है एंड मैं यहाँ पे जीप उठाकर फिर से इधर से निकल जाता हूँ। मैं अपना जीप लेकर इधर आ जाता हूँ तभी देखता हूँ यहाँ पे एलसेप पे एक बंदा बैठा हुआ रहता है एंड मैं उस बंदे को डैमेज देता हूँ लेकिन वो बंदा खुद को ग्लू बॉल से पैक कर लेता है एंड यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अपना गाड़ी उठा लेता हूँ एंड यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जोन। मैं अपने जीप से जैसे ही इधर की साइड आता हूँ तभी देखता हूँ यहाँ पे फाइट चल रही होती है एंड मैं जैसे ही जीप उधर घुसाता हूँ तभी मेरा गाड़ी यहाँ पे ठुक जाती है एंड यहाँ पे सामने मेरे को एक बंदा भी दिख जाता है लेकिन वो बंदा यहाँ पे मेरा गाड़ी फोड़ने लगता है एंड मेरे को ये बंदा इतना ज्यादा डैमेज दे देता है कि मैं कैसे भी यहाँ पे बच जाता हूँ लेकिन मैं खुद को ग्लू बॉल से यहाँ पे पैक नहीं कर पाता जल्दी से एंड यहाँ पे जल्दी से सुपर मेडिकेट करते हैं एंड वो बंदा मेरे ऊपर तुरंत से रस भी कर देता है एंड आप लोग मेरा HP देख ही सकते हो। उस बंदे ने मेरे को काफी भयंकर डैमेज दिया था एंड उस बंदे ने यहाँ पे मेरे बाहर एक लैंडमाइन भी लगाया था तो लेकिन लैंडमाइन से तो मैं डैमेज हुआ नहीं एंड वो बंदा शायद यहीं कहीं पे खड़ा है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ग्लू बॉल तोड़ता हूँ, मेरे को यहाँ पे जोन भी कवर करना पड़ेगा एंड वो बंदा मेरे पीछे ही बैठा हुआ था एंड मैं जैसे ही निकलता हूँ ग्लू बॉल से वो बंदा मेरे को डैमेज देता है एंड मैं गलती से गाड़ी पे बैठ जाता हूँ लेकिन फिर भी मैं उस बंदे को MP40 से किल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल 8 किल कर रखा है एंड यहाँ पे मैं जल्दी से आगे चलते हैं लेकिन एक और बंदा मेरे राइट साइड से डैमेज देने लगता है। अभी भी यहाँ पे 4 बंदे अलाइव है, मेरे को कैसे भी यहाँ पे जोन को कवर करना पड़ेगा एंड जोन भी काफी घटिया जगह पे बना है, यहाँ पे कोई कवर ही नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पे गाड़ी से घूम रहा होगा तो मेरे को तो यहाँ पे डैमेज देगा। यहाँ से जल्दी से निकलते हैं एंड आप लोग देखो एक बंदा मोस्टर ट्रक से घूम भी रहा है। यहाँ पे मेरे को परमानेंट कवर मिल चुका है, यहाँ पे पहले मैं रिपेयर किट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखो सामने उन दोनों के बीच शायद फाइट हो रही है, वो बंदा यहाँ पे जोन निकल रहा है एंड आप लोग देखो वो बंदा जोन निकलेगा मैं उस बंदे को डैमेज करूंगा। एक बंदा जैसे ही उस कवर से निकलता है मैं उस बंदे को डैमेज देने लगता हूँ और गाड़ी वाला बंदा भी उसके पीछे ही घुस जाता है। वो बंदा इधर जैसे ही ठोकता है मैं यहाँ पे स्कोप करता हूँ लेकिन वो बंदा यहाँ पे डीमेट हो जाता है एंड यहाँ पे उसका मोस्टर ट्रक पेड़ के अंदर टकरा जाती है। तो मैं उस बंदे को डैमेज भी देने लगता हूँ एंड उसका गाड़ी भी फोड़ देता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को मिल जाती है एक और किल एंड यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी बंदा बचता है जिसके ऊपर मैं तुरंत से ही रश कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने टोटल 9 किल कर रखे हैं। मेरे पास एक ग्रेनेड है, जल्दी से इसको बीकते हैं एंड यहाँ पे तुरंत रश करता हूँ एंड फाइनली एक बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है एंड इसको दिल वाला इमोट दिखाते हैं एंड जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। इस बंदे के पास इंजेक्शन होती है एंड फाइनली हमारा यहाँ पे बुया हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट भी जरूर से कर देना एंड इस
वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर से कर देना।